my dear children. I hope you all are doing good. How are you all? So, I'm your digital teacher. I am back with a new lesson of your book, that is Literary Journeys by Brainroot Publications. Children, today we are going to start with lesson number 5, which is a poem. This is a beautiful poem which tells us about the beauty of our house. The title of the poem is Home Sweet Home. बच्चों, हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी घूमने चले जाएं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा शांति अपने घर में आकर मिलती है. हम घर में कुछ भी कर सकते हैं, हम आराम से कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी लेट सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रह सकते हैं, राइट? सबसे ज़्यादा शांति, सबसे ज़्यादा सुकून हमें घर में ही मिलता है. आई एम श्योर यू ऑल्सो लव टू be in your house. You also love your house the most, right? So today we are going to study about a beautiful poem about home. You all have visited many places and enjoyed a lot. Think about the places you enjoyed most and what makes the place most favorite place of yours. आप सभी बहुत सारी जगह घूमे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी और वहाँ आपको घूमने में क्यों मज़ा आया. चेरिश द मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स. दो वी मे रोम अराउंड द वर्ल्ड फन फील्ड प्लेसेस बट देयर इज नो प्लेस लाइक अ होम. हाउएवर सिंपल इट मे बी, लेट इज नाउ रीड दिस ब्यूटिफुल पोएम इन विच द पोएट एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ अ स्वीट होम. तो कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हम कितनी ही अच्छी जगह पे क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमें वो शांति नहीं मिलती जो हमें अपने घर में मिलती है. घर कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर हमेशा अपना ही घर होता है जो हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है, शांति देता है. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट दिस ब्यूटिफुल पोएम विच टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होम. Mid pleasures and places, though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. So, the poet says that हम कहीं पे भी जाएं, चाहे वो जगह हमें कितना भी खुशी दे दे, कितना भी हम उस जगह पे जाकर enjoy कर ले, लेकिन जो शांति, जो मज़ा हमें अपने घर पे आता है, वैसा कहीं और नहीं आता. इसीलिए हमारे घर जैसा कोई और जगह हो ही नहीं सकती. A charm from the sky seems to hallow us there, which seen through the world is never met elsewhere. ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई magical charm है और घर में जाते ही हम अपने सारी परेशानियाँ, सारे दुख भूल जाते हैं. हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं, हमारी सारी थकान उतर जाती है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई मैजिक किया है घर में कि वहाँ जाते ही हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं और ऐसी शांति हमें दुनिया में किसी भी कोने पे नहीं मिलती. होम स्वीट होम, स्वीट स्वीट होम. There is no place like home. Oh, there is no place like home. And the poet says कि घर जो है सबसे प्यारा है, हमारा घर दुनिया में सबसे प्यारा है और घर जैसी कोई जगह नहीं है. An exile from home, splendor dazzles in vain. Oh, give me my lowly thatched cottage again. वो कहते हैं कि घर से अगर बहुत दूर कई दिनों तक के लिए चला जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें वनवास ही दे दिया है. कहीं पे भी चले जाओ लेकिन एक टाइम के बाद मन नहीं लगता, मन बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है कि कब हम घर लौटेंगे और कब आराम से घर में अपने फैमिली के साथ बैठ के बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे. द बर्ड्स सिंगिंग गेली दैट कम टू माई कॉल गिव मी देम and the peace of mind dearer than all. And the poet says कि मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई भी ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा सा एक घर दे दो जहाँ मैं सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने सुख दुख की बातें कर सकूँ, जहाँ
पक्षी चिड़िया ये सब आए, मैं उनके साथ बातें कर सकूँ, उनको बुलाते ही वो उड़ते हुए मेरे पास आ जाए और मेरे साथ घंटों समय स्पेंड करें। मुझे ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना वो शांति वो सुकून प्यारा है जो मुझे सिर्फ अपने घर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। होम होम स्वीट स्वीट होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। एंड द पोएट अगेन रिमाइंड्स कि घर जो है वो सभी के लिए बहुत खास होता है, सभी को अपना घर बहुत प्यारा होता है और उन्हें भी अपना घर बहुत पसंद है और वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। वो कहीं पे भी किसी भी काम से जाएं लेकिन लौट कर वापस अपने ही घर आना चाहते हैं, जो उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और जहाँ उनको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। ओके नाउ लेट्स डू द ग्लॉसरी। मिड मीन्स इन द मिडल ऑफ, मतलब बीच में। हम्बल मीन्स मॉडेस्ट ग्राउंडेड। चार्म मीन्स समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अट्रैक्शन। हैलो मीन्स कंसिडरिंग सेक्रेट। नेवर मीन्स कभी नहीं। एग्जाइल मीन्स जब आप घर से किसी वजह से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाते हो, चाहे कोई काम हो या किसी वजह से हो। डैजल्स मीन्स समथिंग दैट शाइन्स ब्राइटली। थैच्ड मीन्स मेड ऑफ प्लांट रूफ, जो कच्चा हाउसेस की जो छत होती है वो घास फूस या प्लांट से बनी होती है। गेली मीन्स वेरी हैप्पीली, हम सभी अपने घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड शांति महसूस करते हैं। नाउ लेट्स डू द कॉम्प्रिहेंशन चिल्ड्रन, आइए इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। द पोएम इज अबाउट अ स्कूल ऑफिस होम और गार्डन। द पोएम इज अबाउट होम। सेकेंड, अ एन डैश फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हैलो अस। चार्म है ना, स्काई से कोई अट्रैक्शन, कोई मैजिकल चार्म हमें जैसे मान लो अट्रैक्ट कर रहा हो। थर्ड, द पोएट इज आस्किंग फॉर इज लोली थैच्ड रूम कॉटेज डेज सिंगिंग। कॉटेज ठीक है, अपना वो छोटा सा घर ही वापस मिल जाए उसी में वो खुश है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। द डैश आर सिंगिंग हैप्पीली, कौन खुशी से चहचहा रहे हैं? द बर्ड्स, द बर्ड्स आर सिंगिंग हैप्पीली। फिफ्थ, द पोएट इज आस्किंग फॉर पीस ऑफ माइंड, यानी मन और मस्तिष्क की शांति की आशा और कामना करता है पोएट, जो कि उसे सिर्फ अपने प्यारे से घर में ही मिलता है। नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स। देयर इज नो प्लेस लाइक अ होम, घर जैसी कोई जगह नहीं है। अ डैश फ्रॉम द स्काई लुक्स हैलो टू द पोएट। अ चांद and dash from home seems to bright and an exile. Fourth, the birds singing gaily, birds जो है वो खुशी खुशी चहचहा रही हैं। Alright, I hope that you have done all the answers with the help of this help box and let's now move further, आगे बढ़ते हैं। Now see children, we have to write true or false, हमें देखना है कि कौन से sentences सही हैं और कौन से गलत हैं। First one, there is no place like school, no, there is no place like home, तो ये false है। Second, a rain from the sky seems to hollow us, no, this is false, a charm from the sky seems to hollow us. Third, birds sing gaily, yes, they are singing gaily, happily they are singing. Fourth, home is the best place to stay. Yes, home is the best place to stay. So this is true. So children, we have done the multiple choice questions, fill in the blanks and true false. Now it's time to do the question and answers. This you have to do it on your own. Like, what does the poet talk about? The poet is talking about the beautiful home sweet home. What experience did the poet have with pleasure and places? He says that he has visited many places, he had many pleasures, but he did not have the peace of mind there. He wants to come back to his beautiful home. What is the charm from the sky? The charm from the sky seems to hallow on them. It seems as a magic spell is there on the house.
Fourth, in what sense the poet in an exile from home? The poet has to go out for his work or to visit their relatives or to visit different places, and this seems to be an exile for the poet. Fifth, why does the poet prefer the lowly thatched cottage? He prefers a lowly thatched cottage because that little cottage provides him happiness, where birds are singing, where he can have peace of mind and he can talk with his family members. All right. So that is why he wants a sweet little home sweet home where he can spend his life peacefully. So children, I hope that you have understood the answers also, and now you would be able to do them on your own. So with this, we finish today's chapter, today's poetry. So stay tuned for the upcoming video. I will meet you again soon with a new chapter of this book. Till then, bye bye and take care.